हेलो नमस्कार स्टूडेंट मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर अक्टूबर माह का इसका जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे और मैंने बोला था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा वो भी थर्टी क्वेश्चन का आएगा और इसका एक और पार्ट आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो इसका एक पार्ट और होगा थर्टी क्वेश्चन का ये कल आएगा ठीक है तो आज जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन है इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ये करना बिल्कुल फ्री होता है और इसके सामने जो ये बैल का आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा ठीक है इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और नोट संबंधित जानकारी के लिए डब्ल्यू पर जा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीस क्वेश्चन तो ये देखिए ये जो थे ये हमारे कल के जो तीस क्वेश्चन थे यहां तक थे ठीक है उसके बाद आज से आगे चलते हैं आगे का क्वेश्चन है पहला जो इसके अंदर है यानी नहीं इकतीसवां क्वेश्चन है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष के हस्ताक्षर के कारण निलंबित कर दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान को निलंबित कर दिया फीफा के नियमों के तहत किया गया है ये काम ठीक तो डायरेक्ट आंसर होगा क्या पाकिस्तान तो आपको याद रखना है पाकिस्तान ठीक बत्तीसवा क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया के तहत केंद्र सरकार ने तीन लाख युवाओं को किस देश में कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है ठीक है तो कौन सा देश है वो तो वो है जापान जापान में तीन से पांच साल के लिए इनको भेजा जाएगा युवाओं को ठीक है केंद्रीय कौशल विकास मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है इन्होंने ये घोषणा की है ठीक है इसके बाद में तैंतीसवां क्वेश्चन है कि मेरी किस देश की एयरलाइन है मेरी किस देश की एयरलाइंस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए देखिए बताता हूँ ये पहले तो मेरी कौन से देश की एयरलाइंस है तो ये इटली की एयरलाइंस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया इस मंथ क्योंकि, क्योंकि कतर ने इसके नाइन शेयर क्या कर लिए खरीद लिए ठीक है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है चौतीसवा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा गांव की विकास योजनाओं पर निगरानी के लिए बनाई गई ऐप का नाम क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ऐप का नाम है ग्राम सम्वाद आई एम पी लगा देता हूं यहाँ पे आई एम क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लीजिएगा पैतीसवा क्वेश्चन है कि किस देश ने यूनेस्को की सदस्यता का त्याग कर लिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है अमेरिका ने ठीक तो इसको भी टिक लगा लीजिएगा अच्छे से छत्तीसवा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो ये नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनुपम खेर को 11 अक्टूबर 2017 को नियुक्त किया गया इससे पहले कौन थे तो इससे पहले गजेंद्र चौहान थे तो ये भी याद रखिएगा इसके बाद देखते हैं सैतीसवां क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह मनाया जाता है ग्यारह अक्टूबर को और तीसवा क्वेश्चन है कि अक्टूबर दो में ब्रिक्स थीम सब ट्रेन की शुरुआत किस देश द्वारा की गई तो ये किस देश द्वारा की गई तो ये चीन द्वारा की गई उनचालीस क्वेश्चन है कि 2018 फीफा फुटबॉल में क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के अनुसार अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बन गया है आइसलैंड चालीसवा क्वेश्चन है कि फेसबुक ने फेसबुक के भारत व दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के प्रबंधक पद से आ, हाल ही में ये देखिए हाल ही है ठीक है कभी कभी ऐसा होता है प्रिंट मिस्टेक हो जाता है हाल ही में इस्तीफा देने वाले कौन है तो ये है उमंग बेदी तो इनका नाम भी याद रखेगा इसके देखते हैं इकतालीसवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है तो इनका नाम है रिचर्ड एच थेलर आपने हमारा नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा उसके अंदर सारी नोबेल पुरस्कार के डिटेलिंग मैंने वहां पर दिया है ठीक है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा बयालीसवा क्वेश्चन है कि भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक कहा आयोजित की गई तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई बुलगारिया अंतर्राष्ट्रीय फ्यूचर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ठीक है आर एम वी गुरु साई दत्त ने जीता है इसको आर एम वी गुरु साई दत्त ने जीता है ठीक है इसके बाद मैं चौवालीसवा क्वेश्चन कहता है कि, कि किस राज्य ने क्लोरीनेट प्लास्टिक और शॉर्ट लाइफ पॉलीविनिल क्लोराइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो ये छत्तीसगढ़ ने की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि छत्तीसगढ़ ने यह किया गया है ठीक है पैतालीसवा क्वेश्चन है कि जर्मनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है तो यह है राजेश नाथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन है ये ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में इसके बाद में छियालीसवा क्वेश्चन है कि बिन्स्टेक देशों की आपदा प्रबंध बिन्स्टेक देशों की आपदा प्रबंध पर पहली बैठक कहा आयोजित की गई ये आयोजित की गई दिल्ली में आपदा का सामना मिलकर करना ठीक है दस अक्टूबर दो से तेरह अक्टूबर तक चलेगा ये देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन ठीक है ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है ठीक है इसके अंदर में कौन कौन से देश शामिल है तो बांग्लादेश ठीक है यहाँ थोड़ा गलत दिखा गया ये बांग्लादेश भारत म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड भूटान और नेपाल है तो ये भी आपको थोड़ा तो सा जानकारी रखना पड़ेगा इसके बारे में सैंतालीसवां क्वेश्चन कहता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दस अक्टूबर को अड़तालीसवां क्वेश्चन कहता है कि दस अक्टूबर दो के मध्य मनाए जा रहे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या है तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि 10 अक्टूबर 2017 के मध्य मनाया जा रहा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 10 अक्टूबर से मनाया जा रहा है तो इसका जो क्या था विषय क्या था तो अंतरिक्ष में नई दुनिया की खोज ये इसका विषय था तो ये याद रखिएगा इसके बाद में उनचासवां क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचे पावर पायलान यानी बिजली के खंभे का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है चीन के द्वारा और ये बिजली के खंभों की लंबाई क्या होगी तीन मीटर होगी ठीक है इसके बाद में पचासवां क्वेश्चन कहता है कि पंद्रह अक्टूबर दो को तीसरा वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में और इसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है थीम क्या है तो देखिए थीम यहाँ से है महिलाओं के लिए अच्छा भारत के लिए अच्छा ठीक है महिलाओं के लिए अच्छा भारत के अच्छा भारत के लिए अच्छा है ठीक है आपके लिए अच्छा तो ये इसका थीम है इक्यानवा क्वेश्चन कहता है कि बटुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बटुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में बटुकम्मा उत्सव को कहते हैं फूलों का उत्सव भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद बावनवां क्वेश्चन कहता है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आने लायक है आपके एग्जाम में ठीक है आईम पी क्वेश्चन है ये सारे तो ये नौ अक्टूबर को मनाया जाता है इसके बाद में देखते हैं तिरपनवा क्वेश्चन क्या कहता है तो पांचवे वैश्विक साइबर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है भारत में ठीक है कब किया जाएगा तो यह तेईस नवंबर से किया जाएगा चौवनवा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो यह है गौतम बम्बावले ठीक है और ये किनकी जगह लेंगे तो विजय गोखले की जगह लेंगे गौतम बंबावले नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पचपनवा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निधि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वर्ष 2017 के वैश्विक भूख सूचकांक यानी इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये टिक लगा लीजिएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भारत यानी इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में कौन से स्थान पर है तो ये है सौवा स्थान पर कितने देशों में तो एक विकासशील देशों में ये इनका स्थान सौवा रहा है और पिछले बार भारत का स्थान था संतानवे ठीक है और अब फिसल कितना हो गया सौवा ठीक छप्पनवा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली ये नई दिल्ली है ठीक है नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह 2017 के किस संस्करण का शुभारंभ किया ठीक है किस संस्करण का शुभारंभ किया तो यह क्या पांचवें संस्करण का शुभारंभ और इसका थीम था समावेशी विकास के लिए जल एवं ऊर्जा ठीक है नई दिल्ली है ये नई दिल्ली ठीक है नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह ठीक तो इसका थीम क्या था समावेशी विकास के लिए जल एवं ऊर्जा क्वेश्चन है, है कि अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर किया जाना है तो यह किया जाएगा दुबई में नवंबर को क्वेश्चन क्वेश्चन है है किस राज्य की विधानसभा विधायकों से प्रस्ताव ऑनलाइन लेने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी तो यह है राजस्थान ठीक है विधानसभा के इसके अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल तो यह भी याद रखिएगा यह पूछा जा सकता है इसके बाद में उनसठवा क्वेश्चन है मित्र शक्ति दो का देश के साथ संयुक्त सैन अभ्यास है। तो यह श्रीलंका के साथ भारत का और यह किया जाएगा तो पुणे में आयोजित होगा यह तेरह से पच्चीस अक्टूबर ठीक है इसके बाद में साठवा क्वेश्चन है कि किस स्थान में इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है तो पपेट का मतलब कठपुतली वाला ठीक है तो ये है कलकत्ता में पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है छब्बीस से इकतीस अक्टूबर विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है इक्कीस मार्च को तो ये भी याद रखिएगा ठीक है कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो कलकाता में और कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है तो इक्कीस मार्च को मनाया जाता है तो ये आपके हो गए साठ क्वेश्चन इसके बाद आगे के तीस क्वेश्चन कल की डेट पर आएंगे ठीक है तो आप इन करंट अफेयर को एकदम देखकर ही जाइएगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना तो बनता है तो आज के वीडियो में इतना ही था जय हिंद जय जै भारत